दोस्तों एक बड़ी जबरदस्त कहावत है जिसमें कहा जाता है कि इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और वो आपको फ्री में मिल रही है तो भैया कोई ना कोई तो रीज़न होगा उसको फ्री में मिलने का। देखो कई सारी गवर्नमेंट होती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट आपको फ्री में प्रोडक्ट दे देती है, जैसे कि आपको फ़ोन दे दिया, टैबलेट दे दिया। लेकिन अब ऐसा भी देखा गया है कि भैया ये शायद स्टूडेंट्स को ट्रैक भी कर सकती हैं, क्योंकि इसको पूरा का पूरा कंट्रोल कोई ऑर्गेनाइजेशन ही कर रही है जिसके भी साथ में उन्होंने उस रोम को कस्टम कर रखा होगा। सो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A30s मिल रखा है कई जगहों पर, जहाँ पर आप इसका वॉलपेपर तक चेंज नहीं कर सकते और साफ साफ लिखा हुआ आ जाता है जब आप उस फ़ोन को ऑन करते हो कि ये फ़ोन प्राइवेट नहीं है, इसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि एडमिन उसको देख सकता है, जो भी चीज़ें होंगी उसके अंदर वो सारी चीज़ें देख सकता है कि आपका एक्टिविटी क्या है, आपका डेटा क्या है। हाँ, मे बी आप में से कई सारे लोग जो कि टैक्स सेवी हों वो शायद कस्टम रोम डाल के निकल जाएं पतली गली से, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि भैया वॉलपेपर तक चेंज नहीं कर सकते, बाकी की चीज़ें करोगे क्या। और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका कंट्रोल है ही नहीं, ज़्यादातर कंट्रोल एक ऑर्गेनाइजेशन का है जो कि उस फ़ोन को कंट्रोल करती है, फिर उन्होंने जिसका भी कस्टम रोम तैयार किया उसके बाद में फ्री में बांट दिया है। सो फाइनली दोस्तों नासा ने अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप अब स्पेस में लॉन्च कर दिया है, जो कि उन्होंने यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ में मिलकर तैयार किया था और इसके बाद में उसको अब लॉन्च कर दिया। हालांकि इसकी डेट 18 दिसंबर 2021 को थी, लेकिन वेदर इतना अच्छा नहीं था तो अब जाके इसको लॉन्च किया गया। और अभी ये एक महीना लेगा अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए, जहाँ पर ये डीप स्पेस की रिसर्च में हेल्प करेगा नासा की और जो भी इनके साथ में पार्टनर बने हुए हैं उन स्पेस एजेंसीज की। दोस्तों ऑनलाइन क्लोथिंग शॉपिंग के मामलों में अक्सर ये देखा जाता है कि जब आप क्वालिटी की तरफ जाते हो तो उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जो कि आपके बजट के बाहर निकल जाता है। लेकिन जब आप लोअर प्राइस की तरफ जाते हो तो आपको क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई मिलती है। लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए और बजट के अंदर चाहिए तो भैया आपको मीशो नाम की एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा यूज़र मौजूद हैं। वहाँ पर आप मेंस टी शर्ट सिर्फ 199 रुपये में ले सकते हो, वो भी टॉप क्वालिटी की। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको टॉप क्वालिटी के मैन फैशन एट बेस्ट प्राइस मिल सकते हैं, चाहे आप किसी दूसरी एप्लीकेशन के साथ कंपेयर करके देख लो प्राइस और क्वालिटी के मामले में। यहाँ पर आपको पैसे कम और क्वालिटी टॉप की मिल जाएगी। यहाँ पर इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ से आप डाउनलोड करके शॉपिंग कर सकते हो, जहाँ पर आपका पहला ऑर्डर आपको 100 रुपये डिस्काउंट के साथ में मिलेगा या फिर 30% का आपको फ्लैट ऑफ मिल जाएगा। शिपिंग बिल्कुल फ्री रहेगी, कैश ऑन डिलीवरी का भी मामला बड़े आराम से रहता है। और रिटर्न अगर आपको करना चाहो कि फिटिंग विटिंग में दिक्कत होती है तो भैया वो भी रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पे 60 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट मौजूद है, चाहे मैन फैशन की बात करो या बेल्ट की बात करो, वॉलेट्स की बात करो, सनग्लासेस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करो, मोबाइल, गैजेट, शूज़ तक आपको मिल सकते हैं 500 रुपये से कम के अंदर। और यहाँ पर टी शर्ट वगैरह या फिर ट्राउज़र वगैरह या फिर जूते वगैरह की शॉपिंग अगर आप सोच रहे हो तो वो 1000 रुपये से भी कम में की जा सकती है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जहां से आप डाउनलोड करके अपना पहला ऑर्डर करके 100 रुपये डिस्काउंट भी पा सकते हो उन पे। दोस्तों इस दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरों की चीज़ों को देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस महसूस करते हैं और उनको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी चीज़ें वगैरह होती हैं। जैसे कि UK की एक महिला एना वेलेनेट, जिन्होंने पार्किंग के अंदर देखी एक टेस्ला मॉडल 3 और उसके बाद में उन्होंने ये प्रटेंड किया कि वो अपनी गाड़ी के अंदर से कुछ सामान निकाल रही हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी गाड़ी की चाबी से उस टेस्ला के ऊपर स्क्रैच मार रही थी और स्क्रैच मारने के बाद में वो वहाँ से चली गई। अब उनको ऐसा लगा कि भैया किसी को पता नहीं चलेगा और इसकी टेस्ला मॉडल 3 मैंने नुकसान कर दिया है उसका, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर होते हैं कैमरे और उन कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया कि भैया ये महिला स्क्रैच मार के गई है उस कार के अंदर, जहां पर कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि भैया $1450 इस महिला को फाइन लगेगा, जो कि होता है करीबन 1,10,000 रुपये के आसपास में, और वो इस महिला को चुकाने पड़े उस गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए। और इसी के साथ साथ फ्री पार्किंग के अंदर एक महिला ने अपना निसान नवेरा नाम का कोई ट्रक होगा वो खड़ा कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और फ्री पार्किंग के लिए जो गाड़ियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं। सो वहाँ पर बड़ी गाड़ी को इन्होंने छोटी पार्किंग के अंदर खड़ा कर दिया ये समझ के कि ये फ्री होगा, लेकिन उसके बाद में इनको $140 का टिकट पकड़ा दिया गया कि भैया
ऐसा नहीं चलता है यहाँ पे। आपने दो गाड़ियों की जगह घेर लिया, बल्कि साइडों से भी आपने गाड़ियों को कम जगह दी है, क्योंकि आगे पीछे की तो जगह घेर ली और साइडों की भी जगह घेर ली, क्योंकि बड़ी गाड़ी चौड़ी भी होती है। तो यहाँ पर 10,000 रुपये का जुर्माना इनको भी पड़ गया। दोस्तों, आपने अजय देवगन की प्यार तो होना ही था मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक बड़ा जबरदस्त सीन था जिसके अंदर वो कार को रेलवे ट्रैक पर चलाने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वाला उसको गोली मार मार के टायरों को पंचर कर देता है। लेकिन इस तरीके की अब एक एक्चुअली में गाड़ी भी आ चुकी है जो कि फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल कहलाएगी इस दुनिया की, जो कि रेलवे ट्रैक पे भी और रोड पे भी चल सकती है। इसके अंदर रबर के टायर भी मौजूद हैं और ट्रैक पर चलने के लिए स्टील व्हील भी मौजूद है, जो कि इसको 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रेलवे ट्रैक पर दौड़ा सकती है और 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से इसको रोड पे चलवा सकती है। दोस्तों, एक स्वीडिश स्टार्टअप कंपनी है जिन्होंने एक माइक्रोचिप तैयार करी है जो कि स्किन के नीचे इम्प्लांट की जा सकती है। ये एक तरीके का COVID-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट है। इसको स्कैनर में दिखाओ, उसके बाद में पता लग जाएगा कि भैया आपकी क्या डिटेल है, आपको कब कब वैक्सीन लगी थी। लेकिन कहने वाली बात यही है कि भैया जब मोबाइल ही खुद आपका एक बॉडी का एक अंग बन चुका है, अब तो उसके अंदर आप सर्टिफिकेट को लेके घूमते रहते हो कहीं भी, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन जिनको भी लगवानी होगी, ये करीबन $112 का रहेगा और लोग इसको लगवाएंगे भी, क्योंकि उनको उतना भी झंझट नहीं चाहिए। सीधा हाथ दिखाया, स्कैनर में आया, डिटेल बाहर। सो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।